मुरादाबाद में पिछले दो घंटों से लगातार हो रही बारिश दो भाइयों पर आफत बनकर टूटी। तेज बारिश के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा अन्य रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि मृतक युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही डायल 100 में घायलों को देखते ही गाड़ी रोककर दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं रवि का इलाज किया जा रहा है। यह दोनों युवक आपस में भाई हैं तथा थाना अमरोहा देहात के कैलसा के रहने वाले हैं। डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और इनके घर पर सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है और घायल को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मनोज जी, आज बारिश के चलते हर तरफ जल भराव हो रहा है मुरादाबाद में, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। क्या मानना है आपका, स्मार्ट सिटी घोषित हुए काफी समय हो चुका है मुरादाबाद के लिए, क्या मानना है आपका? स्मार्ट सिटी तो हुए है, लेकिन सड़कों पर इतना अभी गंदगी है, सड़कों पर पानी भर जाता है, निकलने में दिक्कत होती है कि स्कूल के बच्चे तक पानी में गिरते निकलते हैं। आज जो कितना पानी भरता है, सब दिन में रात हो गई, इस तरह नज़ारा मुरादाबाद का शहर का बुरा है। और सड़कों पर पेड़ टूट टूट के गिर रहे हैं और ये जब पानी इतना भरा पड़ा, गंदगी इतनी है, ये हाल मुरादाबाद स्मार्ट सिटी का है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए कि क्या कदम उठाना चाहिए आगे? सरकार कहाँ कदम उठाती है, सरकार में क्या क्या होता है, सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो आप मरीज लेकर आए, क्या हालत थी इसकी, कहाँ आपको सोचना मिला? ये एक्सीडेंट हुआ इसका विजडम कॉलेज इधर बाईपास पे, जो पागवाड़ा बाईपास पे जा रहा जनता इंटर कॉलेज के पास, इसका एक्सीडेंट हुआ, पेड़ में लगी है बाइक। तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये कैलसा का रहने वाला है। अच्छा, कितने लोग घायल? दो लोग घायल है, एक मृत्यु हो चुकी है एक की और एक घायल है। बारिश के चलते माना जा रहा है कि बारिश के चलते बाइक फिसली? अब ये हमें मालूम नहीं, अपने पॉइंट से जा रहे थे हम दूसरे पॉइंट पर और ये हमें रास्ते में मिला। बारिश पड़ रही थी? बारिश पड़ रही थी। परिजनों को अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, सूचना दे रहे हैं फिलहाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।